ब्रह्मा कुमारी कारेली बाग और कला और संस्कृति प्रभाग द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में आप सभी प्रभु प्रिय जनों का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भाई और बहनों, कहते हैं ना कि जरूरत जो है वो संशोधन की माँ है। तो आप सभी जानते हैं इस वक्त देश और दुनिया के क्या हालात है, और इस संदर्भ में ही ये संकल्प उठा कि किस तरह से लोगों को एकत्रित किया जाए और प्रभु के प्रति इस तरह से एक अलग रीति से जोड़ा जाए। तो ये शुभ संकल्प उठा कि हमारे कवि मित्रों के द्वारा सबको एकत्रित किया जाए और ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कारेली बाग के भ्राता डॉक्टर जयंत भाई जी से कि आप पधारे हुए हमारे सभी मेहमानों का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। भाई और बहनों, एक ये अलग ही प्रकार का आज कार्यक्रम होने जा रहा है, और ये जैसे कि आप लोगों के लिए पहली बार का है, तो ठीक इस तरह से हमारे लिए भी इस तरह का कार्यक्रम, यूं मुरली और क्लासेस रेगुलर चलते हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग प्रकार का ये कार्यक्रम है। तो ये पहला हम आप दोनों के लिए ही अनुभव है, तो इसमें भी कहेंगे कुछ सीखने को मिलेगा। तो अनुरोध करना चाहता हूँ आदरणीय भ्राता डॉक्टर जयंत भाई जी से, आप शब्दों द्वारा स्वागत करें पधारे हुए सभी मेहमानों का, हमारे महानुभाव का। हेलो, आज के दिन सबसे बड़ी खुशी इसलिए है कि परमपिता परमात्मा ने हमें आइसोलेशन में यहाँ इकट्ठा कर दिया है। दुनिया आइसोलेशन में है और हम एसिमिलेशन में है। ये आर्ट एंड कल्चर विंग के आदरणीय चेयरपर्सन कुसुमबेन विशेष इस सम्मेलन का निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर पधारे हैं, उसका मैं खेरे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप एक हाथ की ताली से सब स्वागत करें। सुनाई देता है ना? सुन रहे। अच्छा, साथ साथ में आदरणीय अपने विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय दयाल भाई भी पधार गए होंगे, उनका भी बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। इस मौके पर हमारे ट्रांसपोर्ट विंग के चेयरपर्सन दिव्या बेन भी, ये सम्मेलन हो रहा है ये जब उन्होंने सुना तो उन्होंने भी कहा मैं जरूर हाजिर रहेंगी, और वो भी हाजिर रहे हैं। इसीलिए दिव्या बेन, आपका बहुत 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 दिल से स्वागत है। और साथ में हमारे सारे भाई बहन और नवरत्न, आज ये भी अच्छी बात हो गई, नवरत्न कवि सब पधारे हैं। हाँ, तो ये नवरत्न वैसे भी मशहूर है, और आज हमारे नवरत्न बाबा के नवरत्नों की छाया में हम मीटिंग कर रहे हैं, तब ऐसे नवरत्न कवि पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में अपने सारे कारेली बाग और सारे भारत से भी कई माननीय भाई बहन आए हैं, पधारे हैं, उनका भी बहुत दिल जान से स्वागत करता हूँ। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता डॉक्टर जैन भाई जी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय दिव्या दीदी जी से, आप शुभेच्छा के कुछ बोल सभी के सामने रखे। आदरणीय दिव्या दीदी जी,
ओम शांति। आज के दिन एक अलग प्रकार से कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है, एक यूनिक चीज है। कहां कहां दूर दूर बैठे हुए, लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और कवि उनकी कल्पना ये तो इतनी सुंदर होती है जितनी आत्मा की शुद्धि, और विचार जितने श्रेष्ठ उतने ही कवि की कल्पना भी इतनी ही ऊंची और श्रेष्ठ होती है। और कविता के द्वारा मनोरंजन घर बैठे आज करेली बाग के सभी भाई बहने आज एंजॉय करेंगे। और आप सब कवियों का इस कवि सम्मेलन में मेरे अपने तरफ से आप सबका स्वागत और नमस्ते। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सब मिलजुल करके आज की इस परिस्थिति में भी कैसे परमात्मा का मैसेज एक अनोखे ढंग से सभी को देने वाले हो। और कवि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेक्चर्स में काफी बोलना होता है, लेकिन कविता ये कुछ शब्दों में बहुत कुछ रहस्य हमारे सामने रख देती हैं। और आप सब इसमें माहिर हैं, और इस कवि सम्मेलन के द्वारा सभी भाई बहने जो आज एक आत्मिक आनंद लेंगे, आंतरिक आनंद लेंगे, उसकी खुशी है। और आप सब यहाँ पर इस समय एक ही साथ ज्वाइंट हुए हैं, अपना समय आपने विशेष इस कार्यक्रम के लिए निकाला है, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स और बहुत हमारी शुभकामना कि आज का कार्यक्रम बहुत बहुत सुंदर और प्रेरणादायी, सभी सेंटरों के लिए भी एक प्रेरणादायी ये कार्यक्रम होगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया दीदी जी, बहुत सार गर्भित रूप में आपने बहुत गहरी बातें सुना दी, धन्यवाद आपका। अभी दयाल भाई भी कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन शायद अभी ऑडियो का कनेक्शन नहीं हो पा रहा। विनेश भाई तब तक दीदी का ले ले। हाँ जी, तो कुसुम दीदी, हाँ कुसुम दीदी जी भी हमारे साथ है, तो जो आर्ट एंड कल्चर विंग जो है उसके चेयरपर्सन का नेतृत्व जैसे आप संभाल रहे हैं, और बहुत सुचारू रूप से भारतवर्ष के जो भी कलाकार है उन कलाकारों में आध्यात्मिकता का संचार का कार्य आप बहुत बखूबी निभा रही है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा दीदी जी, आप शुभेच्छा के दो बोल सभा के सामने आप रखे। आदरणीय कुसुम दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है। ओम शांति। हाँ, सबसे पहले तो मैं हमारे नीलेश भाई का धन्यवाद अदा करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि साइंस के साधन जो हमें मिले हैं उसका आपने सुअवसर पर लाभ उठाया और सबको लाभान्वित भी किया है, हमारे कवि भाइयों को बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी आज हम आपस में मिल रहे हैं इस बहाने, और आज जो हमारे कवि भाई हैं चाहे बहने हैं उन सबको मैं यही एक विनंती करना चाहती हूँ कि आज का जो ये वातावरण है, ऐसे वातावरण में आप सभी हमारे कवि भाई अपने कविता के द्वारा ऐसा संदेश दो जो मनुष्य आत्माओं का आज मनोबल कम हो गया है, सहनशीलता कम हो गई है, चिंताग्रस्त हो गए हैं, उनका फिर से मनोबल बढ़े, सहनशक्ति बढ़े और वो चिंता से मुक्त हो जाए और ये इस बीमारी से भी मुक्त हो जाए। ऐसा बहुत बढ़िया संदेश हमारे कवि कलाकार भाई बहन अगर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी भी यही चाहते हो ना, यही संदेश देने के लिए बैठे हो ना, ठीक है ना।
इसीलिए आज का विशेष संदेश यही देना है, जो समय प्रमाण बहुत जरूरी है। मनुष्य आत्मा देखो, हर एक कलाकार वर्ग भी अपने घर में बैठा हुआ है, कोई शूटिंग नहीं, कोई कुछ काम नहीं है। ऐसे टाइम पे आपने अपना समय निकाला और कवि सम्मेलन के लिए आप लोग तैयार हो गए, और हमारे मिलेश भाई ने भी वो निकाला समय और आप सबको निमंत्रण दिया। बहुत खुशी की बात है। हमारे दयाल भाई भी आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं, वो भी बात करेंगे आपसे, आपका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, और आप अपनी कविता के द्वारा अन्य कलाकारों का, अन्य आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ाते रहे, ठीक है ना। इसीलिए आप सभी तो इसमें कविता में माहिर है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते हैं। कई बार मैंने सुनी है आप सभी की कविताएं, लेकिन अभी ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा ये संदेश है आप सभी के प्रति कि प्यारे बाबा की ये कविता के माध्यम से ऐसा संदेश सबको मिले, जो सभी के अंदर वो एक उमंग आ जाए, नया जीवन जैसे मिला ये अनुभव हो, और उनकी मनन शक्ति के द्वारा और अपने आत्मचिंतन के द्वारा वो भी अपना मनोबल बढ़ाएंगे, उसके लिए आपकी प्रेरणा उनके लिए काफी रहेगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबको फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपने कविता के द्वारा सबका मनोबल अवश्य बढ़ाए, ठीक है। आप सबको हमारी बहुत बहुत दिल से याद, हमारे दयाल भाई को विशेष याद, हमारे सतीश भाई को विशेष याद, और हमारे नीलेश भाई को तो डबल तिबल याद, नीलेश भाई को, ठीक है। नीलेश भाई का जो है अब सुना तो बहुत बार था, प्रोग्राम ऐसा करते हैं, लेकिन आज हमको भी आपने शामिल कर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विवेक भाई को भी याद दो, ठीक है। आप सभी खुश रहो, आबाद रहो अपने घरों में, और अपने गुप्त रीति से अपने कविता के माध्यम से सेवा करते रहो। ओम शांति जी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो आपने कहा तो सारी क्रेडिट तो आप बड़ों को ही जाती है, क्योंकि आप बड़ों ने ही अनुमति दी तब जाके ये कार्यक्रम हो रहा है, और उसमें भी विशेष हमारे आदरणीय डॉक्टर भ्राता जयन भाई जी और चंपा बहन जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें हर बात में वो सहयोग देते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों की अनुमति देते हैं। खैर, बहुत बहुत आज के जो मूर्धन्य कवि हैं, कवित्री हैं, और जो भी विशेष आत्माएं हैं, बाबा की प्यारे रत्न हैं, उन सबका इस कवि संगोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अपने सभी कवियों को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि वो आज की इस संगोष्ठी में बहुत अच्छे अच्छे विचार देंगे और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उनको मिलेंगी, ऐसी मिलेंगी जो बहुत ही उपयोगी होंगी वर्तमान समय पर। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि चारों तरफ बहुत निराशा है, सबके मनोबल कम है, जैसा अभी दीदी कह रही थी। तो आज के समय में मुझसे पूछा गया कि इसका टॉपिक क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा कि सोचा कि भाई आज कोरोना कोरोना सभी कह रहे हैं, हम भी कोरोना कोरोना करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर लेकिन मन में ख्याल में आया, लेकिन इसके अलावा तो आज सबके मन में कुछ है नहीं, तो क्यों ना किया जाए कि आज करुणा को बढ़ाया जाए और कोरोना को भगाया जाए। आज के समय में जो सबसे बड़ा जो जरूरत है वो करुणा की जरूरत है, क्योंकि चारों तरफ देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो वहीं से शुरू हुआ है, जब हम प्राणियों पर भी दया नहीं करते हैं, अपना खान पान भी शुद्ध नहीं रखते हैं, तो प्रकृति ने हमको एक अल्टीमेटम दिया कि अभी ये तो ये शुरुआत है, ये बहुत बड़ा व्यापक हो सकता है। तो आज जैसे विभीषिका आई है सबके आगे, उसमें निराशा आई है, तो मैं इसको नाम दिया कि करुणा बनाम करोना, करुणा बनाम करुणा, माना करुणा आएगी तो करुणा भाग जाएगी। और इसके लिए मैं अपने कवियों को कहूंगा कि कहते हैं कांटों से टकरा करके फूलों को पाया जा सकता है, कांटों से टकरा करके फूलों को पाया जा सकता है, और काजल की अंधेरी कोठरी से दामन को बचाया जा सकता है। अगर नेक हैं इरादे तो सच कहता हूं साथियों, नेक हैं इरादे तो सच कहता हूं साथियों,
कि उजड़े चमन को भी बहारों से सजाया जा सकता है, उजड़े चमन को भी बहारों से सजाया जा सकता है। तो आज के इस कवि सम्मेलन में, कवि संगोष्ठी में हम सब ऐसा संकल्प दें सारे विश्व के, ये इस कवि सम्मेलन जैसे आम होते रहते हैं, इतर बेहतर हो और अच्छा हो, जो बार बार लोग इसको सुने और अनुभव करें कि आज ऐसे कवि सम्मेलनों की बड़ी आवश्यकता है। और मैं इसके अपनी शुभेच्छा जाहिर करने से पहले मैं निवेदन करूंगा अपने कवियों से कि समय बहुत सीमित है, 5-5 मिनट में अपना वो जरूर इसमें दें और जितना हो सके इसके इर्द गिर्द अपनी कविताएं सुनाएं, और फिर मौका मिला तो बार बार सुनते रहेंगे डिटेल में। तो मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, और राजेंद्र गोपाल जी की दो लाइन जो हमारे आज नहीं आ रही आवाज। हाँ दीदी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आ रही है? मेरी आ रही है आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। तो मैं कहना चाहूंगा राजेंद्र गोपाल व्यास जी की दो लाइनों से अपनी बात को कि आज के कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, आज के कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो लेकिन कविता की हंसी ना हो, कविता की हंसी ना हो। तो मैं एक बार अपने मूर्धन्य जितने भी कवि हैं जिनकी जिनको मैं जानता भी हूं और जिनको आज पहली बार सुनूंगा, उन सभी कवियों का, कवि रत्नों का, कवित्री हमारी कविता किरण को, और अपने आदरणीय जो मूर्धन्य कवि राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं, विवेक भाई हैं, रमेश भाई हैं, और बड़ौदा के जो सभी कवि हैं मनोज शर्मा जी हैं, मैं इन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं और इनको निमंत्रण देता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भ्राता सतीश भाई, और बहुत अच्छी बात आपने बताई, और ये वास्तव में थोड़ा मुश्किल कार्य है हमारे लिए भी और हमारे कवियों के लिए भी, क्योंकि एक एक कवि जो है सभा में वो बहुत ही दिग्गज है, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और सभी कवियों की बहुत सारी अचीवमेंट्स है, और उन्हें 5 मिनट कहना माना एक विचित्र सी बात है, लेकिन क्योंकि कई कवि है और प्रोग्राम को समय पे पूरा भी हमें करना है, तो सभी से नम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप कृपया समय का अनुशासन बनाए रखें तो हमें बहुत सहयोग होगा। और अभी समय न गंवाते हुए मैं कविता जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप स्तुति की 4 लाइन रखें, और आप में से मैं समझता हूँ मेजोरिटी तो कविता जी को जानते ही होंगे। कविता किरण जी, आप यूट्यूब चैनल भी अगर आप कविता जी की देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, और हर रोज आपका लाइव भी यूट्यूब पे चलता है, और आप देश विदेश में भी कविताएं प्रस्तुत आप करती है, और मैं जहां तक मैं जानता हूं लाल किला पे भी आपने कविता पठन किया हुआ है, नाम ही आपका काफी है कविता किरण, और विशेष ये आपको गॉड गिफ्ट है, तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कविता जी हमारे साथ है। तो स्तुति की 4 लाइन प्रस्तुत करें कविता जी। फालना जैसे छोटे कस्बे राजस्थान, फालना जैसे छोटे कस्बे से आपने बहुत बड़ा नाम किया है, ये भी आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कविता जी। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी के भाई बहनों को मेरा प्रणाम वंदन, और सारे उपस्थित कवियों को भी मेरी तरफ से प्रणाम, और बिना किसी भूमिका के सबसे पहले परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हैं। 4 पंक्तियां में परमपिता परमात्मा उस खुदा को, उस ईश्वर को, अल्लाह को समर्पित करना चाहती हूँ। मेरा भरोसे से भरा है दिल, मेरा दिल तोड़ मत देना। क्या बात है, भरोसे से भरा है दिल, तोड़ मत देना। मेरी कश्ती को लहरों की दिशा में मोड़ मत देना। तुम्हारे दम पे ही दरिया को दी मैंने चुनौती है, खुदाया मुझको मेरे हाल पर अब छोड़ मत देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो समय चल रहा है बड़ा दुखद समय है, 4 पंक्तियां ईश्वर को इबादत की और पढ़ती हूँ, फिर आप आगे जारी रखिएगा। बहुत हमको सताता है, बहुत दिल को दुखाता है,
बहुत हमको सताता है, बहुत दिल को दुखाता है, समय जालिम है हमको हर कदम पर आजमाता है, हमारे हौसले को है खुदाया तोड़ मत देना, यही तो है जो मुश्किल में हमारे काम आता है, यही तो है जो मुश्किल में हमारे काम आता है। तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो हम सभी का हौसला बनाए रखे, हमारी हिम्मत को बनाए रखे। धन्यवाद। बहुत खूब कविता जी। और अभी कार्यक्रम को विधिवत हम शुरू कर रहे हैं और हमारे विवेक भाई सुन रहे हैं हमें। विवेक भाई से निवेदन है, आप अपनी प्रस्तुति रखें। हमारे जो विवेक भाई है वो कवि भी है, शायर भी है और बहुत अच्छे आप एंकर भी है, बहुत अच्छे वक्ता है, आप लेखक भी है और इन सब से ऊपर एक बात है, आपका एक उम्दा व्यक्तित्व भी है और आप एक योगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समर्पित रूप से आप अपना जीवन ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ बिता रहे हैं। तो ऐसे हमारे कविराज योगीराज विवेक भाई को मैं अनुरोध करता हूँ, करना चाहूंगा, आप अपनी प्रस्तुति दे। विवेक भाई आप कविता की रचना की है जो कि आज के इस वक्त को भी काम आएगी और सदा काम आएगी जी, क्योंकि अपने हर वक्त को हमें अतीन्द्रिय सुख भर के जीना है। बाबा ने हर लम्हे को सफल करना सिखाया है, ये बाप दादा का शुक्रिया है। तो मैं अपनी कविता शुरुआत करता हूँ, एक कविता फिर एक छोटी सी कविता और कहना चाहूंगा। अपने हर दिन को यादगार बनाना, अपने हर दिन को यादगार बनाना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना, अपने हर दिन को यादगार बनाना। जब सुंदर सी सुबह उगे, प्रकृति संग संग तेरे जगे, उत्साह के तुम गीत गाना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना। कुछ लम्हे रचयिता के नाम करके, कुछ लम्हे रचयिता के नाम करके, प्रेम शांति हिम्मत खुद में भर के, अंतर में एक ज्योत जगाना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना। तन मन धन जन ये जीवन के आयाम, निस्तिन करना तुम ध्यान और व्यायाम, तन मन से स्वयं को सशक्त बनाना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना। अपने को और अपनों को देना सुरक्षा, ये जो समय है अपने को अपनों को देना सुरक्षा, सबसे पहले स्वयं की करना रक्षा, शुद्ध और सात्विक जीवन अपनाना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना। बहुत अच्छा होता है जग में रहना उपयोगी, तन मन धन से बनना विश्व का सहयोगी, संग सबके मीठी यादें बनाना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना। और इस वक्त में वही ना देखना जो शक्तिशाली बनाए, वही रखना चित्त में जो आनंद बढ़ाए, अपने हाथ में है जीवन सजाना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना। अपने घर और संबंधों को संवारना, जादू करता है प्रेम से बात करना, निहारना उत्सव की तरह, हर सुबह शाम बिताना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना। सही विधि ही सही युक्ति है, जीवन में ही समाई जीवन मुक्ति है, इसलिए एक ऊंचा लक्ष्य बनाना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना। समय कोई भी हो है कल्याणकारी, बहुत पाता है वो जो रहता है आभारी, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद सदा गुनगुनाना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना। ईश्वर को सब समर्पित कर विश्राम करना, जो भी मिला है बस उसी के नाम करना, हल्के होकर योग निद्रा में सो जाना, लुत्फ जिंदगी का पूरा उठाना। अपने हर दिन को यादगार बनाना, यादगार बनाना। ये समय बहुत ही कल्याणकारी है, ये समय बहुत ही अपने आप को शक्तिशाली बनाने का है। इसलिए जैसे रात की नींद हमें दिन भर की दौड़ के बाद एक शक्तिशाली नई तरोताजगी देती है, ऐसे ही ये समय ऐसा है जिसमें हम अपने एकांत में अपने आप को बहुत सुंदर बनाएं, सदा वाह वाह के गीत गाएं, क्योंकि आप वाह कहोगे तो होगी वाह जिंदगी, आप वाह कहोगे तो होगी वाह जिंदगी। आप जब मुस्कुराएंगे ये मुस्कुराएगी, आप जब गाएंगे ये गाएगी, आईने से जो मिले है वो निगाह जिंदगी, आप वाह कहोगे तो होगी
वहां जिंदगी, जब सुबह हो जो कहे वहां सवेरा, फिर शाम हो तो कहे वहां अंधेरा, उसे देगी सदा ही अथाह जिंदगी, आप वहां कहोगे तो होगी वहां जिंदगी। जो अपना ही सबसे अच्छा साथी होगा, जो अपना ही सबसे अच्छा साथी होगा, एक लिखा मेरा शेर है कि चलो जिंदगी एक नए अंदाज से जी जाए, सबसे पहले खुद ही से मोहब्बत की जाए। जो अपना ही सबसे अच्छा साथी होगा, अपने जीवन में खुद प्रकाशमान बाती होगा, उसे हर कदम होगी उसके लिए उत्साह जिंदगी, आप वहां कहोगे तो होगी वहां जिंदगी। सीखने का संवरने का हुनर है जिंदगी, कभी प्रेम कभी हिम्मत कभी सबर है जिंदगी, खुदी को तराशने की सवारने की राह जिंदगी, आप वहां कहेंगे तो होगी वहां जिंदगी। जो वहां वहां कहेगा वो जीत जाएगा, इसी पल वहां कहो ये पल बीत जाएगा, पूरी करेगी तुम्हारी हर चाह जिंदगी, आप वहां कहोगे तो होगी वहां जिंदगी वहां जिंदगी। तो सदा वहां वहां बाबा के, वहां ड्रामा के, वहां मैं, वहां मेरा परिवार, वहां मेरा भाग्य, सदा गीत गाते रहिए। जिंदगी आज भी सुंदर है, आगे भी और सुंदर होगी, सदा अति इंद्रिय सुखों में समाये रही, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। वाह 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 कहोगे तो वाह बनेगी जिंदगी, तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, बहुत खूब। लेकिन विवेक भाई, वैसे तो सभा में जब इतनी अच्छी प्रस्तुति की जाती है तो बहुत तालियों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई पड़ती है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ यहाँ वो बात, लेकिन ऐसा नहीं है, सबने दिल से, दिल की गहराई से सबने जोर से तालियां आपके प्रति बजाई है, हमने भी बजाई, आवाज बंद तक पहुंच गई है, और वो तालियां बनती है, वो हक होता है जब हम इतनी अच्छी प्रस्तुति रखते हैं, तो हर एक का वो हक है कि वो तालियां सुनाई पड़े, और वही तो प्राप्ति है सबसे बड़ी, और वो तालियां दिल से बजी है। अपने मन से उड़ान वाले चैनल चलाने वाले हमारे रमेश भाई, आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, और जैसे कि कहा जाता है कि ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व है, ब्रह्मा भोजन का महत्व, ऐसे ब्रह्मा भोजन खिलाने की विशेष वीआईपी डाइनिंग की सेवा कई सालों से आप संभालते हैं, और साथ साथ रूहानी उड़ान चैनल भी आप संभालते हैं, तो पूरी दुनिया को अच्छे से अच्छा आध्यात्मिक भोजन मिले, वो भोजन की सुविधा आपने बहुत अच्छी प्रदान की है, तो स्थूल भोजन के साथ साथ ये आध्यात्मिक भोजन परोसने की बहुत उम्दा गतिविधि आप दिन रात करते हैं, आपकी अथक सेवाएं हैं, साथ साथ आप बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं हमारे रमेश भाई से, रमेश भाई आप अपनी प्रस्तुति रखे। ओम शांति। ओम शांति। वर्तमान समय में सारे विश्व में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को पार करने के लिए सभी को मनोबल की आवश्यकता है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ कविता की पंक्तियां लिखी हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत है। कि प्रभु स्मृति में रहने वालों का मनोबल परवान है, कि प्रभु स्मृति में रहने वालों का मनोबल परवान है, हिम्मत और उमंग की वो तो अखुट खान है, वो तो अखुट खान है। धीरे बोलो मीठा बोलो और बोलो सत्य, धीरे बोलो मीठा बोलो और बोलो सत्य, तब आपका मनोबल बढ़ता जाएगा नित्य। मधुरता से होने वाला सबका ही कल्याण है, और प्रभु स्मृति में रहने वालों का मनोबल परवान है, मनोबल परवान है। कि आत्मस्मृति में रहने से शुद्ध होगा व्यवहार, आत्मस्मृति में रहने से शुद्ध होगा व्यवहार, तब आएगी वाणी में जौहर और धार। मीठी वाणी का ही तो जग में यशोगान है, और प्रभु स्मृति में रहने वालों का मनोबल परवान है, मनोबल परवान। सुख देना सुख लेना यही लक्ष्य हमारा है, कि सुख देना सुख लेना यही लक्ष्य हमारा है, सबका मंगल सबका हित हो,
बस यही एक नारा है। शुभ भावना शुभ कामना यही तो महादान है, प्रभु स्मृति में रहने वालों का मनोबल परवान है, मनोबल परवान। निर्भयता का पर्वत बनकर जग में उभरेंगे कि निर्भयता का पर्वत बनकर जग में उभरेंगे और काल पराजित होगा हमसे, हम नहीं डरेंगे। कि अकाले मृत्यु से बच जाता जो करता प्रभु का ध्यान है, कि प्रभु स्मृति में रहने वालों का मनोबल परवान है, मनोबल परवान है। कदम कदम प्रभु श्रीमत का, कदम कदम प्रभु श्रीमत का रखेंगे जब ख्याल, और मस्तक की आभा निखरेगी चमकेगा तब भार। सर्व समस्या परिस्थिति का होने वाला निदान है, प्रभु स्मृति में रहने वालों का मनोबल परवान है, मनोबल परवान है। पवित्रता ही खुशी और शक्ति का आधार है, पवित्रता ही खुशी और शक्ति का आधार है। पावन योगी की होती है जग में जय जयकार है, और मस्तक पर चंदन का तिलक स्मृति का निशान है, प्रभु स्मृति में रहने वालों का मनोबल परवान है, मनोबल परवान। संतुष्ट रहना संतुष्ट करना जीवन जीने की कला है, कि संतुष्ट रहना संतुष्ट करना जीवन जीने की कला है। सर्व की संतुष्टि से होता निज का भला है, खुले दिल से बांटो खजाने बीन किए अभिमान है, प्रभु स्मृति में रहने वालों का मनोबल परवान है, मनोबल परवान। अंतिम पंक्तियां हैं कि प्रसन्नता से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, कि प्रसन्नता से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, और खुशहाली की किरणों से प्रकाश बिखरता है। सेवाधारी का ही तो हिर जग में सम्मान है, प्रभु स्मृति में रहने वालों का मनोबल परवान है, मनोबल परवान। ओम शांति। सतीन भाई से अनुरोध करता हूँ। सतीन भाई जो है वो भी एक विशेष शख्सियत है, और बहुत मजेदार बात है कि आपके अंडर में 5 से 6 स्टूडेंट जो है वो उर्दू में PhD कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं भाई और बहनों के जो विशेषण है वो व्यक्ति के जीते जी उसको नहीं मिलता है, तो टाइटल वो बाद में मिलता है, लेकिन ये ऐसी शख्सियत ऐसे शख्स है जिनको जीते जी 8 उपनाम मिले हैं, विशेषण इनके पास 8 है। तो विशेष तो प्रवेश नाम से आप जाने जाते हैं, और हमारी कविता किरण जी भी आपको जानती है। तो मैं अनुरोध करता हूँ हमारे प्रवेश साहब को कि आप अपना अपनी बात रखें। सतीन भाई सुनाए। हाजरीन नाजरीन, आप सबको मेरा दुआ सलाम पेश करते हुए अवलन तो मैं चंद कथा आपके खदमत में मुलाजा फरमाता हूँ। वतन परस्ती के नाम पर, माता के नाम पर मैं कुछ अपने अशार पेश करने के इजाजत चाहता हूँ। अर्ज किया है कि उछल के आसमानों में संभलना जान जाओगे, उछल के आसमानों में संभलना जान जाओगे, तुम अपनी रूह से आगे निकलना जान जाओगे। उछल के आसमानों में संभलना जान जाओगे, तुम अपनी रूह से आगे निकलना जान जाओगे। तुम्हें जन्नत की कोई सीढ़ी चढ़ने की जरूरत क्या, तुम्हें जन्नत की कोई सीढ़ी चढ़ने की जरूरत क्या। अगर उंगली पकड़ के, अगर लकड़ी पकड़ के माँ की चलना जान जाओगे, अगर उंगली पकड़ के लकड़ी पकड़ के माँ की चलना जान जाओगे। एक और कथा मुलादा फरमाइए। कहीं जमीन न होता ना आसमां होता, कहीं जमीन न होता ना आसमां होता, बदन की खाक उड़ाता धुआं धुआं होता। नवाजा खूब है मुझको वतन के मिट्टी ने, नवाजा खूब है मुझको वतन के मिट्टी ने। न मिलती आपकी मोहब्बत तो मैं कहां होता, न मिलती आपकी मोहब्बत तो मैं कहां होता। एक और कथा खास
खिदमत में आपकी खिदमत में मुलाहजा फरमाए, अर्ज किया है कि लिखेगा नाम मेरा क्या कफन की चादर पे, माँ की बात करता हूँ, लिखेगा नाम मेरा क्या कफन की चादर पे, मैं आसमान को लेटाता हूँ मेरे सर पे, खुदा भी चाहे तो न छीन पाएगा मुझको, खुदा भी चाहे तो न छीन पाएगा मुझको, बुढ़ापे में जो मेरी माँ का हाथ है सर पे, बुढ़ापे में जो मेरी माँ का हाथ है सर पे। मौजूदा आज की परिस्थितियों के लिए दो शेर आपकी खिदमत मुलाहजा फरमाएं कि नया सवाल नहीं इसी किताब ले आओ, नया सवाल नहीं इसी किताब ले आओ, खलाब खुद के नया इनकलाब ले आओ, खलाब खुद के नया इनकलाब ले आओ, उसी के बाद चलाएंगे बात रिश्ते की, उसी के बाद चलाएंगे बात रिश्ते की, अंधेरे घर में कहीं आफ्ताब ले आओ, अंधेरे घर में ही आफ्ताब ले आओ। चंद आपकी खिदमत पे गजल के शाह मौलाना फरमाए, अर्ज किया है खुदा भी जिसको तलाशता है जन्म जन्म का फकीर हूँ मैं, खुदा भी जिसको तलाशता है जन्म जन्म का फकीर हूँ मैं, मेरे ही पीछे चले जमाना समय का वो राहगीर हूँ मैं। शेर देखिए साहब, जख्म से खेलूं जख्म में झेलूं, कबीराई देखिए आप, जख्म से खेलूं जख्म में झेलूं, जख्म पिरोऊं कलम के अंदर, गजल की चादर बुनूं मैं यारो, गजल की चादर बुनूं मैं यारो, मगर असल में कबीर हूं मैं। इस शेर पे गौर फरमाए आप कि मेरे ही अंदर बसी है मीरा, मेरे ही अंदर बसी है राधा। इश्क़-ए-आलम देखिए, मेरे ही अंदर बसी है मीरा, मेरे ही अंदर बसी है राधा, वो इश्क जिसने खुदाई पाई, वो इश्क जिसने खुदाई पाई, वो इश्क का ही जमीर हूं मैं। लाभानी इश्क की बात करता हूँ कि मेरे ही अंदर बसी है मीरा, मेरे ही अंदर बसी है राधा, वो इश्क जिसने खुदाई पाई, वो इश्क का ही जमीर हूं मैं। आज के दौर के लिए एक पैगाम है इसमें खास, देखिए कि तू रोशनी की तुम भीख मांगो मेरे मकद्दर के चांद तारों, अर्ज किया है आपसे, क्यों रोशनी की तुम भीख मांगो मेरे मकद्दर का चांद तारो, सवाल ही बन के खड़ा है सूरज, भिखारी बन के खड़ा है सूरज, बहुत ज्यादा अमीर हूं मैं। गालिबाना शेर की आपकी खिदमत में कि जहां जहां भी कदम रखूं मैं फना की मंजिल के पार उतरूं, जहां जहां भी कदम रखूं मैं फना की मंजिल के पार उतरूं, उतर ही जाए जो रूह अंदर निकल ना पाए वो तीर हूं मैं। शेर पे खास मित के दो शेर अभी आ रहे हैं कि भरम की तलवारें कब चली हैं, चली कहां है वो बादशाही, भरम की तलवारें कब चली हैं, चली कहां है वो बादशाही, मुझे क्या दरबार में रखोगे गुलाम हूं ना वजीर हूं मैं, मुझे क्या दरबार में रखोगे गुलाम हूं ना वजीर हूं मैं। और एक शेर के खास, भले ही रावण का भेष धर ले, माता जी आप सबको अर्पण करता हूँ, भले ही रावण का भेष धर ले हरण करेगा कहाँ से सीता, भले ही दोनों जहाँ तेरे हो जिगर की छोटी लकीर हूं मैं, जिगर की छोटी लकीर हूं मैं। और मक्का मुलाजा फरमाए कि तमाम दौरे गजल में मेरा अलग है सबसे बयान ले जा, तमाम दौरे गजल में मेरा अलग है सबसे बयान ले जा, सकीन हूं मैं सकीन केवल न कोई गालिब न मीर हूं मैं, सकीन हूं मैं सकीन केवल न कोई गालिब न मीर हूं मैं, खुदा भी जिसको तलाशता है जन्म जन्म का फकीर हूं मैं, मेरे ही पीछे चले जमाना समय का वो राहगीर हूं मैं। आपसे वाह बहुत खूब, बहुत खूब परवेज साहब, बहुत खूब। अभी कविता की आप अपनी प्रस्तुति रखे, डॉक्टर कविता किरण जी आपसे अनुरोध है। कविता जी, समझ पा रही हूँ, बिना किसी भूमिका के मैं मुक्तक पढ़ रही हूँ अपने दो तीन। कोरोना की महामारी से पूरा विश्व अभी त्रस्त चल रहा है, तो कैसे हम इसका मुकाबला कर सकते हैं एकजुट होकर के, वो मैंने कहने की कोशिश की है, सुनिएगा जी। बेशक गम के बादल छाए फिर भी हम मुस्काएंगे, बेशक गम के बादल छाए फिर भी हम मुस्काएंगे,
दुख की घड़ियां आई हैं तो सुख के दिन भी आएंगे। दुख की घड़ियां आई हैं तो सुख के दिन भी आएंगे। चलो किरण हम कोरोना के दम को दूर भगाएंगे। चलो किरण हम कोरोना के दम को दूर भगाएंगे। अपने मन की दहरी पर आशा के दीप जलाएंगे। अपने घर की दहरी पर आशा के दीप जलाएंगे। और चार पंक्तियों में मैं सभी पूरे जनता को ये तायित करती हूँ, बताना चाहती हूँ कि समस्या से डरने से कुछ नहीं होता है, समस्या का समाधान खोजने से कुछ बात बनती है। तब चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि कोरोना के डर से बंधु यू ना हाय हाय करें। कोरोना के डर से बंधु यू ना हाय हाय करें। सही सलाह का सही अर्थ लें, गलत नहीं अभिप्राय करें। सही सलाह का सही अर्थ लें, गलत नहीं अभिप्राय करें। और कोरोना से बचना है तो ये भी एक उपाय करें। कोरोना से बचना है तो ये भी एक उपाय करें। हाथ जोड़ कर करें नमस्ते, मुंह से बाय बाय करें। हाथ जोड़ कर करें नमस्ते, मुंह से बाय बाय करें। तो सारा विश्व हमारी भारतीय पद्धति का अनुकरण कर रहा है, जहाँ लोग गले मिलकर मिलते थे, हाथ मिलाकर मिलते थे, अभी सारा विश्व विवश हुआ है इस भारतीय परंपरा का अनुसरण करने का। तो हम अपने आप को इस तरह भी बचा सकते हैं कि किसी से हाथ न मिलाएं, किसी से गले न मिलें, सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्ते करें और मुंह से बाय बाय। चार पंक्ति और हाजिर करती हूँ, देखिएगा। हमें और क्या करना है और क्या प्रिकॉशन लेना है। भीड़ भाड़ और इन्फेक्शन से खुद को हमें बचाना है। बाहर क्या रखा है जब भीतर ही एक खजाना है। ये हमें बाहर जाने की के लिए मनाही है, जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है वो हमें बाहर निकलने के लिए खींची गई है। हम घर से बाहर बेशक नहीं निकल सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर के रास्ते खुले हैं। तो ये बहुत ही सही समय है जब हम अपने अंतर मन में उतरे, अपने भीतर की अपने अंतस की यात्रा करें। तो ऐसा अवसर सभी को मिलता नहीं है। सुनिएगा कि भीड़ भाड़ और इन्फेक्शन से खुद को हमें बचाना है। बाहर क्या रखा है जब भीतर ही एक खजाना है। एक दिन तो इस विपदा का भी अंत किरण हो जाना है। एक दिन तो इस विपदा का भी अंत किरण हो जाना है। कोरोना के भय को जन जीवन से दूर भगाना है। कोरोना के भय को जन जीवन से दूर भगाना है। तो आप और हम सब मिलकर इस कोरोना के भय को जन जीवन से दूर भगाना चाहते हैं। और एक आखिरी मुद्दा और पढ़ती हूँ, कोरोना से ही संदर्भित है, कि हमें कोरोना और हमें क्या करना है। सुनिएगा, हम लोग सारे, ये सब पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाना खाता है, घर में एक साथ मिलकर टीवी देखता है। नहीं तो सब अलग अलग कमरों में, एक घर में होते हुए सारे लोग अलग अलग कमरों में अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन ये ऐसा कोरोना ने इसको अवसर हमें दिया है कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर बैठा हुआ है। तब यह चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि हमको अपने घर में रहकर कोरोना को धोना है। ये पहला ऐसा काम है जब घर से बाहर जाए बिना भी, बिना किसी मेहनत के घर बैठे कर सकते हैं और घर बैठकर ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई श्रम करने की जरूरत नहीं है। कि हमको अपने घर में रहकर कोरोना को धोना है। संबंधों के मनकों को फिर एक सूत्र में पोना है।
संबंधों के मन को फिर एक सूत्र में पोना है। 24 घंटे साथ बिताकर रिश्तों का रस लौटाए। पहले घर वालों को शिकायत रहती थी कि हमारे घर के सदस्य जो हैं साथ में समय नहीं बिताते, समय पर घर नहीं आते हैं, सबके अलग अलग समय हैं। तो अभी सारी शिकायतें सबकी दूर हो गई इस कोरोना की वजह से। 24 घंटे साथ बिताकर रिश्तों का रस लौटाए। परिवार में प्रेम बढ़ा तो सब शुभ शुभ ही होना है। परिवार में प्रेम बढ़ा तो सब शुभ शुभ ही होना है। परिवार में प्रेम बढ़ा तो सब कुछ शुभ ही होना है। तो मैं बस सभी से यही दुआएं करती हूँ, जो सारे लोग देख रहे हैं उनसे भी, जो बाद में देखेंगे उनसे भी, कि अपने घर में रहें, अपने घर के भीतर रहें, लक्ष्मण रेखाओं का पालन करें और इस लॉकडाउन की मर्यादा का पालन करें और खुद सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत मुबारक आपको। हमारी कविता बहन एक एक रचना कविता बहन की सुनने जैसी होती है। एक बारी किसी पॉलिटिशियन बहन थी और उसका था और उसका बुरा हुआ, तो हमें बहुत काम आती है आप लोगों की रचना है। तो बहुत एक अच्छा बीच का एक मैंने हिस्सा लिया कि अभी अभी खेल के आई हूँ घोड़ा गाड़ी पालकी। कविता बहन, अभी अभी आई हूँ घोड़ा गाड़ी पालकी, अब भी मुझ में जिंदा है लड़की वो 16 साल की, लड़की वो 16 साल की। तो वो पॉलिटिशियन बहन हमारी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि बहनों के अंदर कहीं ना कहीं वो 16 साल की लड़की चाहे कितनी भी उम्र हो जिंदा होती है। तो बहन बहुत खुश हुई। तो बहुत अच्छा कविता जी। और अभी मैं फिर से पुनः एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने मोर देन 6000 6000 से ज्यादा आध्यात्मिक गीत लिखे है। और जब भी मैं आपका परिचय कराता हूँ तो एक बात जरूर दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम भले कवि है लेकिन हमारी मुलाकात कविता से हर रोज नहीं होती है। हम कवि है परंतु हमारी मुलाकात कविता से हर रोज नहीं होती है, लेकिन ये ऐसे कवि है कि पता नहीं दिन में कितनी ही बार मुलाकात कविताओं से हो जाती है। चलते फिरते हंसते बहलते आप कविताएं लिख देते हैं, गीत गजल लिख देते हैं। 6000 से ज्यादा गीत आपने लिखे है। इतना ही नहीं, भारतवर्ष में ऐसा कोई बड़ा अच्छा सिंगर नहीं होगा नामी ग्रामी जिन्होंने आपकी रचना को न गाया हो। और आपकी रचना है जो है सिर्फ भारत नहीं परंतु पूरे विश्व में, इसका मैं साक्षी हूँ, क्योंकि जब मैं माउंट आबू ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट सेवाएं देता था तो रशिया के भाई बहने आते थे जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, फिर भी वो गाने गा गा के बोलते थे कि ये गाने की सीढ़ी हमको दीजिए। तो हिंदी भले नहीं आती लेकिन आपके जो शब्दों में जो बल है तो वो उछल उछल के वो गाने वो सीढ़ी हमसे मांगते। तो सारे ही विश्व में आपकी जो रचनाएं है वो सुनी जाती है, गाई जाती है, न सिर्फ सुनी गाई जाती है लेकिन आपकी रचनाओं के द्वारा सब प्रभु प्यार में जैसे कि लीन हो जाते हैं, रस भर जाता है हर आत्माओं में आपकी रचनाओं से। अभी अभी अलका याग्निक जी ने गीत जो गाया है बहुत हिट हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप आर्ट एंड कल्चर विंग जो है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। आप जो है जो हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का माउंट आबू, उसमें आप समर्पित रूप से अपना अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो और आप एक कुशल वक्ता भी है। तो ऐसे हमारे सतीश भाई को अनुरोध करना चाहूंगा, सतीश भाई आपकी रचना आप रखे। सतीश भाई धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं समस्त विश्ववासियों को और विशेष भारत वालों को इस बात के लिए आग्रह करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि आज के इस जो परीक्षा की घड़ियां हैं, एक चारों तरफ कोरोना का आतंक फैला हुआ है, तो प्यारे साथियों इसका उपाय तो कर ही रहे हैं और हम सबको बहुत सुअवसर मिला है। मैं तो ये समझता हूँ ये संकट नहीं, ये सुअवसर है, आगे बढ़ने का अवसर है। हम सब मिलकर के इस घड़ी में भी एक मार्ग ढूंढे और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के लिए भी तैयार रहें। कोरोना जैसे और भी समस्याएं आने वाली हैं लेकिन उसके जो मूल में जो कारण है वो
उस कारण पर मैं सबको ले जाना चाहता हूँ, आप अन्यथा न लें। और मैं कहना चाहूंगा कि इसका मूल तो ये है कि आज करुणा की अनुपस्थिति ही करुणा है। आज करुणा होती दिल में प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति, और इसके प्रति यदि आपके मन में करुणा होती तो आज करुणा न होता। तो करुणा अपनाएं और करुणा को भगाएं। आज उसके संदर्भ में कहता हूं, मैं पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों कहना चाहता हूं कि वो अपने खान पान को और हिंसक प्रवृत्ति को अपने बदल दें और अपने एक लाइफ लॉन्ग ही नहीं सारे विश्व को बचाने के लिए इस तरह आए जो हमारी भारतीय संस्कृति बार बार कहती है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस गीत के द्वारा आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो सुनो सब इंसानो, प्यारे प्रभु के संतानो। सुनो सुनो सब इंसानो, प्यारे प्रभु के संतानो। परम पिता का ये पैगाम प्राणों तक पहुंचाओ, करुणा जगाओ करो न भगाओ। करुणा जगाओ करो न भगाओ, निर्भय होकर प्रेम प्यार से आशा दीप जलाओ। करुणा जगाओ करो न भगाओ, आज जो संकट आया है मानो मन घबराया। आज जो संकट आया है मानो मन घबराया है। सच तो ये कुछ और नहीं मानो ने ही लाया है। खुद जियो और जीने दो, सबको सुख से रहने दो। करुणा है उपकार यही, दुख दर्द सभी का समझो तो। दुख दर्द सभी का समझो तो, सुख चाहो तो सुख बांटो, सुख की राह दिखाओ। करुणा जगाओ करुणा भगाओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ। एक समय था सृष्टि पर अपना अखंड भारत था, हम ही तो थे देवी देवता, स्वर्ग यही कहलाता था। आज तो मानो बना है दानो, दया धर्म ईमान नहीं। खान पान ये खून खराबा, ये कोई इंसान नहीं। खान पान ये खून खराबा, ये कोई इंसान नहीं। भूल गए हम अपने को है, अपनी याद दिलाओ। करुणा भगाओ करुणा को अपनाओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ। शाकाहारी हाथी है पर कितना शक्तिशाली है, अश्वशक्ति वाला घोड़ा वो भी शाकाहारी है। बकरी पाती खाती है तो खाल खींच ली जाती है, जो बकरी को खाते उनकी यूं दुर्गति हो जाती है। नहीं खुदा का हुक्म है ये, ना कोई मजहब कहता है। ईश्वर भी ना खुश होता जब कोई प्राणी रोता है। ईश्वर भी ना खुश होता जब कोई प्राणी रोता है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। सबको यही सुनाओ करुणा जगाओ करुणा भगाओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ।
वो धरती पर जीने वालों नेक बनो इंसान बनो, छोड़ो मांसाहार करना मौत का मत सामान बनो, बेजुबान निर्दोषों को क्यों तुम शिकार बनाते हो, आह न देगी चैन मन को क्यों आहार बनाते हो, आह न देगी चैन मन को क्यों आहार बनाते हो, आज हुआ जो हाल सभी का इसकी वजह बताओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ, मानव तन की मांग नहीं है हिंसा करके खाने को, फल धरती नहीं ये अन्न दिखाने को, छोड़ देते खाने को एक भी जिसमें बाल है, फिर क्यों अंडे खाते हो एक माँ का जिसमें लाल है, फिर क्यों अंडे खाते हो एक माँ का जिसमें लाल है, धर्मराज के डंडे से सबको बचाओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ, सुनो जरा ए सुनने वालों, सुनो जरा ए सुनने वालों, दर्द अगर है सीने में दया करो फिर जाओ मथुरा काशी मक्के मदीने में, दया करो फिर जाओ मथुरा काशी मक्के मदीने में, खुदा के बंदों देना ये पैगाम खुदाई फर्ज है, खुदा के बंदों देना ये पैगाम खुदाई फर्ज है, बुरा न माने माफ करें जनाब आदा वर्ज है, बुरा न माने माफ करें जनाब आदा वर्ज है, करो गुनाहों से तोबा, करो गुनाहों से तोबा, गीत खुशी के गाओ करुणा जगाओ करुणा भगाओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ, बहुत खूब करुणा करुणा जगाओ करुणा को भगाओ, फेंक देते हो वो खाना जिसमें होता है एक बाल, फिर क्यों वो खाते हो जिसमें होता है किसी माँ का लाल, कितनी गहरी दिल की बात आपने अपनी रखी, बहुत अच्छी प्रस्तुति भ्राता सतीश भाई जी। और अभी ऋषि पाल जी को, और सर्वप्रथम मैं चार पंक्तियों से माँ शारदा को नमन करता हूँ जिनकी कृपा से हम सब लिख पाते हैं जी, कि कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, हवाओं में कोई वाणी से अमृत घोल देता है, और असंभव कुछ नहीं सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के रहते, अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल देता है, अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल देता है। और इन चार पंक्तियों से मैं देश को नमन करता हूं कि हमारे देश में परिवार ही संसार होता है, हमारे देश में परिवार ही संसार होता है, भरा पूरा जहां रिश्तों का एक गुलजार होता है, और नहीं दुनिया में भारत के सिवा ऐसा कोई भी देश जहां भाई बहन का प्यार भी त्योहार होता है, जहां भाई बहन का प्यार भी त्योहार होता है। और कुछ पंक्तियां महत्व पर जो देश में और समाज में जो हो रहा है और विश्व में जो हो रहा है, जो बात अभी सब लोगों ने की है, कुछ पंक्तियां उसको समर्पित आज के हालात को, कि दिल को यूं ही न गम जदा रखना, दिल को यूं ही न गम जदा रखना, जान जब तक है हौसला रखना, दिल को यूं ही न गम ज़दा रखना, जान जब तक है हौसला रखना, और मिलना तो ठीक है कभी लेकिन अच्छा होता है फासला रखना।
वाह वाह, मिलना तो ठीक है कभी, लेकिन अच्छा होता है फासला रखना, और कोई देता है बद्दुआ तो दे, अपने होठों पे बस दुआ रखना। क्या बात है, बस दुआ रखना, और ये बुरा वक्त बीत जाएगा, ये बुरा वक्त बीत जाएगा, मन को विश्वास से भरा रखना। ये बुरा वक्त बीत जाएगा, मन को विश्वास से भरा रखना, और गम के तूफान में ऋषि जिंदा, अपने अंदर का हौसला रखना। वाह, अपने अंदर का हौसला, बहुत खूब शुक्रिया। और गजल का मतलब कुछ शेर लिखिए कि रस्ते में गम की धूप का जब गांव आ गया, रस्ते में गम की धूप का जब गांव आ गया, माँ का ख्याल बन के घनी छांव आ गया। और शेर देखिए कि बिन मुश्किलों के रहता हूं मुश्किल में मुबतिला, बिन मुश्किलों के रहता हूं मुश्किल में मुबतिला, किसके फटे में जाने मेरा पांव आ गया, किसके फटे में जाने मेरा पांव आ गया। और फौरन भुला दी बाप ने बेटे की गलतियां, फौरन भुला दी बाप ने बेटे की गलतियां, बेटा दबाने बाप के जब पांव आ गया। और शेर देखिए कि निकले तो थे तलाश ने हम जिंदगी मगर, निकले तो थे तलाश ने हम जिंदगी मगर, ए मौत रास्ते में तेरा गांव आ गया, ए मौत तेरा गांव आ गया। शुक्रिया। और एक गजल के दो तीन शेर और सुन लीजिए कि जो गहरा है वो घर में रहता है कभी बाहर नहीं जाता, जो गहरा है वो घर में रहता है बाहर नहीं जाता, नदी ही जाती है मिलने कभी सागर, नदी ही जाती है मिलने कभी सागर नहीं जाता, और खुदा से हो या महबूबा से लेकिन प्यार का असली मजा तब तक नहीं आता है जब तक सर नहीं जाता, मजा तब तक नहीं आता है जब तक सर नहीं जाता। और जहां अभिमान और इच्छाओं के बाशिंदे रहते हैं खुदा का रास्ता उस गांव से होकर नहीं जाता। और गजल के दो चार शेर सुन लीजिए, यूं सब के सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं, यूं सब के सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं, जो छूना चाहूं तो फिर आसमान कुछ भी नहीं। क्या बात। और बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चले, बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चले, गिरे हुओं के लिए तो ढलान कुछ भी नहीं। और शेर देखिए कि मैं सच को जानता हूं ये भरम मेरा टूटा, मैं सच को जानता हूं ये भरम मेरा टूटा, जो मैंने जाना कि सच्चा बयान कुछ भी नहीं, और मिलूं जो उससे उस सर शान से झुका के मिलूं, मिलूं जो उससे तो सर शान से झुका के मिलूं, मेरे लिए ये जमाने की शान कुछ भी नहीं। और दो चार शेर और सुन लीजिए कि गुजरती जा रही है शब ख्याल उसका नहीं जाता, गुजरती जा रही है शब ख्याल उसका नहीं जाता, है पलके नींद से बोझिल मगर सोया नहीं जाता, और वो जो चाहे वही होता है अपनी है कहां मर्जी, वो जो चाहे वही होता है अपनी है कहां मर्जी, हमें तो हुक्म मिलता है हमें पूछा नहीं जाता, और इसी मंजिल पे आकर खत्म हो जाता है हर रास्ता, दरे महबूब से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। और अंत में छोटी बहर के दो चार शेर सुना के अपनी बात खत्म कर सकता हूँ, पांच मिनट के से ज्यादा नहीं होंगे, एक मिनट भी, एक सेकंड भी, कि दर्द को मैं जबान देता हूँ, दर्द को मैं जबान देता हूँ, नित नई दास्तान देता हूँ, और आज जिंदगी तेरी पाठशाला में रोज एक इम्तिहान देता हूँ। और शेर देखिए कि यह जहां के गमो रहो आकर अपने दिल का मकान देता हूँ, और ख्वाब के खेत बिक गए कब के लेकिन अब तक लगान देता हूँ, लगान देता हूँ, और शामियाना दुआओं का अपनी आतेरे सर पे तान देता हूँ। और आखिरी शेर है कि मैं जुबान से कभी नहीं फिरता, मैं जुबान से कभी नहीं फिरता, वैसे कम ही जुबान देता हूँ, मैं जुबान से कभी नहीं फिरता, वैसे कम ही जुबान देता हूँ, दर्द को मैं जबान देता हूँ, नित नई दास्तान देता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। कम ही आप जबान देते हैं, और कल आपने जबान दी थी कि मैं हाजिर रहूंगा, और आप अपनी जबान से नहीं हटते नहीं फिरते। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। और पुनः दिल्ली से युवा कवि, युवा परंतु अनुभवी, और विशेष आपकी रचनाएं होती है बहुत उमंग उत्साह भरने वाली, बड़े जोशीले हमारे कवि है। तो मनोज भाई दिल्ली से है आप, मनोज खुशनुमा जी आप अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। मनोज भाई ओम शांति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सुन पा रहे हैं। हाँ जी रसिद मीर जी, तब तक आप थोड़ा
ठीक कीजिए किसी को बोल के, अड़ोस पड़ोस से भी हो सकता है, खाली आपका ऑडियो म्यूट हो गया है तो हम आपको बहुत अच्छे से सुन पाए और हमें हम सबको आपका लाभ मिल पाए। हाँ मनोज भाई। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय कुसुम दीदी जी को और हमारे आदरणीय सतीश भाई जी को, दयाल भाई जी को, वेब भाई जी को और सभी प्रबुद्ध कवि मित्रों को, कवि साथियों को ओम शांति प्रणाम। सर्वप्रथम तो एक आध्यात्मिक कवि और शायर के रूप में मैं अपना परिचय कुछ यूं दिया करता हूं कि हम रूह को परवाना और शिव को क्षमा कहते हैं। हम रूह को परवाना और शिव को क्षमा कहते हैं, उस क्षमा के परवाने को मनोज खुशनुमा कहते हैं। मनोज खुशनुमा कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो विषय है करुणा बनाम करुणा। तो इस विषय पर अपनी प्रस्तुति देने से पूर्व, क्योंकि यहाँ हमारे सभी बीके भाई बहन मौजूद हैं, तो एक छोटी सी कुछ पंक्तियां अपने बीके भाई बहनों के लिए कहने का मेरा मन था, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हम बाबा के बन के हम क्या पा रहे हैं। अपने मन से हम बातचीत का करते हैं, जो मैंने अपने मन से बातचीत की वो कुछ पंक्तियों में सबके अनुभव भी होंगे कि बोल रहे मनवा, बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया, बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया, यादों में आनंद मगन हो झूमा नहीं अगर, बेफिक्र बादशाह बन खुशियों में डोल नहीं पाया, तो बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया, बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया। पाकर के ये जन्म अलौकिक हीरे तुल्य अगर, पाकर के ये जन्म अलौकिक हीरे तुल्य अगर, प्रभु के संदेशों को सबसे बोल नहीं पाया, तो बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया, बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया। प्यार के सागर की बूंदों को तरसे जग सारा, जिस प्यार के सागर की बूंदों को तरसे जग सारा, पाकर उसको लहरों में उसकी खेल नहीं पाया, तो बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया, बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया। सदा फरिश्ता बन उड़ने के पाए पंख मगर, सदा फरिश्ता बन उड़ने के पाए पंख मगर, हद के बंधन से जो खुद को खोल नहीं पाया, तो बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया, बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया। और दुविधा के जंगल में जीवन उलझा रहा अगर, दुविधा के जंगल में जीवन उलझा रहा अगर, और बंद द्वार किस्मत के अब भी खोल नहीं पाया, तो बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया, बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया। और सोच खुशनुमा, सोच खुशनुमा ऐसा युग क्या और भी आएगा, सोच खुशनुमा ऐसा युग क्या और भी आएगा, अरे संगम की कीमत का कर्जो मोल नहीं पाया, तो बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया, बोल रे मनवा शिव को पाके तूने क्या पाया, तूने क्या पाया। बहुत 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 धन्यवाद। अब मैं अपनी इस विषय पर प्रस्तुत कविता करुणा बनाम करुणा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्र ये विचित्र शब्द चित्र देखिए, करुणा का पेशमान चित्र देखिए, मित्र ये विचित्र शब्द चित्र देखिए, करोना का पेशमान चित्र देखिए, विश्व में करोना का कहर ढा रहा, फिजा में जहर है या इत्र देखिए, फिजा में जहर है या इत्र देखिए, करोना का करुण किताब पढ़ रहा, अनकहे सवालों का जवाब पढ़ रहा, करोना का करुण किताब पढ़ रहा, अनकहे सवालों का जवाब पढ़ रहा, रक्षक बन बचा रहे जो लाखों जिंदगी, रक्षक बन बचा रहे जो लाखों जिंदगी, उनकी सेवाएं बेहिसाब पड़ रहा, उनकी सेवाएं बेहिसाब पड़ रहा, सबकी खातिर जान को हथेली पे लिए, दिन रात जन सेवाओं के जो दिए, सबकी खातिर जान को हथेली पे लिए, दिन रात जल सेवाओं के जो दिए, करुणा से करुणा को करते शमन, करुणा से करुणा को करते शमन, ऐसे सेवकों को मन करता नमन, ऐसे सेवकों को मन करता नमन, विश्व में करोना अंधकार छा रहा, रोशनी की कोई ना किरण पा रहा, विश्व में करोना अंधकार छा रहा, रोशनी की कोई ना किरण पा रहा, उम्मीदें ही जीवन में देती रोशनी, उम्मीदें ही जीवन में देती रोशनी, उम्मीदों के दिए ना कोई जला रहा, उम्मीदों के दिए ना कोई जला रहा, क्वारंटाइन लॉकडाउन सब है चले, भय और भ्रम के ये तम न टले, क्वारंटाइन लॉकडाउन सब है चले, भय और भ्रम के ये तम न टले, बाहर घरों से चाहे नहीं निकले, मन में करोना के तो डर है पले, मन में करोना के तो डर है पले, सारा विश्व एक परिवार है यहाँ,
निश्चय जहां है विजय है वहां, सारा विश्व एक परिवार है यहाँ। निश्चय जहां है विजय है वहां, दिलों में बढ़ेगी जब दया करुणा, दिलों में बढ़ेगी जब दया करुणा। जंग तब जीतेगा कोरोना से जहां, जंग तब जीतेगा कोरोना से जहां। करुणा की कमी से ही आया कोरोना, करुणा की कमी से ही आया कोरोना, है ये हिंसक कर्मों का ही रोना। करुणा की कमी से ही आया कोरोना, ये हिंसक कर्मों का ही रोना। तन मन जीवन हो पावन अगर, तन मन जीवन हो पावन अगर, स्वस्थ रहे सदा कोई रोग ना होना, स्वस्थ रहे सदा कोई रोग ना होना। हाथ जब दिन में धोए कई बार, मन को भी धोए करें शुद्ध विचार। हाथ जब दिन में धोए कई बार, मन को भी धोए करें शुद्ध विचार। तन मन दोनों की इम्यूनिटी बढ़े, तन मन दोनों की इम्यूनिटी बढ़े। जब हो आहार सात्विक शाकाहार, जब हो आहार सात्विक शाकाहार। शक्तिशाली बने जो सभी का तन मन, ना हो पाए फिर करुणा का आगमन। शक्तिशाली बने जो सभी का तन मन, ना हो पाए फिर करुणा का आगमन। समय के खजाने को जो कर ले सफल, समय के खजाने को जो कर ले सफल। लॉकडाउन उसके लिए है आचमन, लॉकडाउन उसके लिए है आचमन, लॉकडाउन उसके लिए है आचमन। मन में भरी हो जब करुणा अपार, विश्व सारा लगने लगेगा परिवार। मन में भरी हो जब करुणा अपार, विश्व सारा लगने लगेगा परिवार। सब सुखी सब हो निरोगी जग में, सब सुखी सब हो निरोगी जग में। जग में फैलाएं रोज शुद्ध ये विचार, जग में फैलाएं रोज शुद्ध ये विचार। दिखने न वाला जब एक वायरस, पैदा कर सकता है दुनिया में डर। दिखने न वाला जब एक वायरस, पैदा कर सकता है दुनिया में डर। दिखने न वाला तब परमात्मा, बचने की शक्ति भी सकता है भर, बचने की शक्ति भी सकता है भर। आशंका निराशा से हताश आत्मा, आशा के जलाए दीप परमात्मा। आशंका निराशा से हताश आत्मा, आशा के जलाए दीप परमात्मा। प्रभु आशीर्वाद और शक्ति का कवच, प्रभु आशीर्वाद और शक्ति का कवच। दूर से करेगा कोरोना का खात्मा, दूर से करेगा कोरोना का खात्मा। तन से हो दूर मन दूरियां घटे, तन से हो दूर मन दूरियां घटे। कष्ट और कलेश तन मन के कटे, तन हो दूर मन दूरियां घटे। कष्ट और कलेश तन मन के कटे। हर दिल करुणा के दीप जो जले, हर दिल करुणा के दीप जो जले। विश्व से करोना की समस्या मिटे, हर दिल करोना की दीप जो जले। विश्व से करोना की समस्या मिटे, विश्व से करोना की समस्या मिटे। ओम शांति, धन्यवाद। बहुत खूब खुशनुमा जी। अभी एक और व्यास जी का आप थोड़ा सबको बताइए। राजेंद्र गोपाल व्यास जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बराबर वो सक्रिय रहे हैं और एक ऐसे विशाल बट वृक्ष की तरह हैं कि जिनके अंतर्गत पूरी ये काव्य जो वाटिका है ये फलती और फूलती है। बहुत सारे कवियों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं और आज तो बहुत विशेष है इसलिए कि आप परमात्मा के बड़े करीब हैं। ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारों को बीके कहते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं मैं बीके तो हूँ लेकिन मैं बीका, हम बीके तो हैं लेकिन हम बीके नहीं हैं। बहुत अच्छी बात बताते हैं, हम बीके हैं बीके नहीं हैं। और उनको कोई भी दुनिया की शोहरत हो दौलत हो उनको कभी भी प्रभावित नहीं करती है। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि उनकी एक एक लाइनें जो है हम सबके लिए बहुत ही तजुर्बे वाली है, बहुत प्रेरणा वाली है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो, ऐसी चीजें उनकी ढेर सारी रचनाएं हम सबकी जुबान पे आती रहती हैं। मैं अपने भीलवाड़ा से यूं कहें, भीलवाड़ा से नहीं, वो परमात्मा के करीब है, उनको मैं सामने देखता हूं और आदर्श के रूप में मानता हूं। आज मैं निवेदन करता हूं कि हमारी इस कवि सम्मेलन के जो है भले ही उपसंहार सा हो रहा है लेकिन आपके द्वारा इनको सबको प्रेरणाएं मिलेंगी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आदरणीय कवि कविराज या ऋषिवर कवि राजेंद्र गोपाल व्यास जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबके भीतर बैठे
मेरे बाबा को प्रणाम करता हूँ। ऐसे माहौल में जहाँ पूरी दुनिया घरों में सिमट गई, इस त्रासदी में हम कैसे जी रहे हैं, तो एक पक्ष हमारा त्रासदी का भी है और एक उल्लास का भी है। मैं दो छंद से अपनी बात शुरू करके और एक गीत इस स्थिति पे निवेदन करूंगा, आपका ध्यान चाहूंगा। होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं, होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं, ऐसी कुछ बात तुम्हारे ही जहन की कह दूं, इस नई शैली से एक मोड़ जिंदगी ले ले। ये कोराना ने नई शैली, इस नई शैली से एक मोड़ जिंदगी ले ले, हम बाहर की ही नहीं भीतरी होली खेले। क्या बात है, क्या बात है, खेले लेकिन हम घरों में खेले। अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर, और अब तो सबको घर मिल गया इस कोरोना की कृपा से। अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर, अपनों के बीच में भी हर कदम पे छाया है डर, घर को गोदाम में बदलने की साजिश है। देखिए अमेरिका और चाइना में सामान किस काम आ रहा है, काम तो मनुष्य ने सारे। अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर, अपनों के बीच में भी हर कदम पे छाया है डर, घर को गोदाम में बदलने की साजिश है, घर को गोदाम में बदलने की साजिश है, किसको रोको मोहब्बत से मेरी गुजारिश। सतीश भाई आपकी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा एक प्यारे से गीत से मेरे इस कार्यक्रम का और मेरी प्रस्तुति का हम पूर्णावति करें। एक गीत देखिएगा त्रासदी का, बहुत पीड़ा की बात है और उसमें कुछ मैसेज। शाख से पता जो टूटे मर रहा है आदमी, शाख से पता जो टूटे मर रहा है आदमी, जिंदगी खाकर थपेड़े बन गई खुद त्रास, अब कोई हमको सुकून मिलता नहीं, दिल सूखी है कंवल खिलता। सड़के सुनिए, सारी दुनिया का सरोवर सूख गया है, सारे कमल अपने घर में खिल रहे हैं। पहला बंद देखिएगा। सुमन में अब रंग है पर गंधित अपूर है। ईश्वर ने बता दिया एक कोराने के जीव से कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सुमन में अब रंग है पर गंधितों का पूर है, आदमी के दिल में अब तो हो गया नासूर है। पंक्ति देखिए। मर्जदानता का फैला है नहीं कोई दवा, घर सभी धू धू जले और तेज चलती है हवा, शाख से पता जो टूटे। पंक्तियां देखिए, दर्द की कह रहा हूं, बहुत पैसा कमाया अब क्या काम आ रहा, सांस ले कैसे सभी रिश्ते जुड़े अब अर्थ से, क्यों बटोरे मोती हम सब गुण लगे अब व्यर्थ से, एक अंधी दौड़ में सब भागते रुकते नहीं, आके ठोकर मुंह के बल पर
गिरते हैं झुकते नहीं। शाख से और एक पंक्ति पूरे विश्व के लिए कह रहा हूं, है नहीं संवेदना और है नहीं ईमान भी। हमारे सतीश भाई ने कहा ना कि करुणा की अनुपस्थिति को राना, है नहीं संवेदना और है नहीं ईमान भी। हार इतना बढ़ गया है रो दिया भगवान भी। तो बेगुनाहों पर मां चलने लगी है गोलियां, रंग फागुन के रूठे खून के अब हो लिया। क्या बात है, क्या बात है। बंद आज रस्सी से खींचे हम बट पड़े हैं बेशुमार। क्या चाइना अपने को ईश्वर में, अमेरिका अपने को ईश्वर में गिला। आज भारत ने जो अपना शालीनता बताई, जो सहानुभूति बताई, तो क्या अवतार की सरजमी यही। आज रस्सी से खींचे हम बट पड़े हैं बेशुमार, अपनों से कर द्वेषता हम डूबते हैं काली धार। तो आज सबकी मौत पर बस बैठते आयोग है। अब आप आयोग मत बिठाओ, आप राजयोग बिठाओ अपने दिल में। आप दिल में राजयोग बिठाओ और आप राजयोग में बैठो। आज सबकी मौत पर बस बैठते आयोग है, अब तो प्यारो ऐसा लगता जिंदगी अभियोग है। शाख से पत्ता जो टूटे मर रहा है आदमी, जिंदगी खाकर थपेड़े बन गई खुद त्रासदी। अब कोई हमको सुकून मिलता नहीं, सूखी है कंवल खिलता नहीं। मैं सोचूंगा मोहब्बत अगर रही तो ईश्वर मदद करेगा, ये कोरोना जाएगा और हम फिर अपने कर्मयोग क्षेत्र पर सड़कों पे घरों से निकल के कर्मयोग में आएंगे। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे उस चैतन्य को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद आपका व्यास जी। अभी मैं कार्यक्रम हमारा समझो पूर्ण हो गया है तो हमारे वरिष्ठ भ्राता डॉक्टर जयंत भाई जी से अनुरोध करना चाहूंगा। सतीश भाई आप कुछ कहना चाहेंगे सभा को? सतीश भाई, दयाल भाई है नहीं, उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आप कुछ कहना चाहे और डॉक्टर साहब से, डॉक्टर भ्राता जयंत भाई जी से अनुरोध करना चाहूंगा आप फिर कंक्लूड करें। पहले सतीश भाई आप कुछ कहना चाहे, कोई संदेश देना चाहे हमारे कवि भाइयों को और भाई बहनों को। जी नमस्ते एक बार और मैं अपने सभी कवि रत्नों को जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी उम्दा प्रस्तुतियां दी, इनका मैं जितना धन्यवाद करना करूं उतना कम है। और मैं चाहूंगा कि आज के संदर्भ में जितने भी हमारे कवि हैं, राज ऋषि कवि अगर बन जाएं तो अति उत्तम है, जिनका जीवन बोले। आप कोई कविता लिखें, सब पढ़ें, इसके बजाय आपका जीवन ऐसा बने कि जो आपके जीवन पर सब लिखें और आपके जीवन को पढ़ें। तो मैं सभी भाई बहनों को ये कहूंगा कि आप सब राजयोग के अभ्यास में लगें, बहुत अच्छा सुअवसर मिला है, इसको संकट न समझें, हम इससे आगे निकलेंगे और जीवन को और बेहतर बनाएंगे और सारे विश्व को हम आज के दिन इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये समय बहुत जल्दी गुजर जाएगा और अच्छे दिन आएंगे, नए दिन आएंगे, स्वर्णिम दिन आएंगे। उसके राजयोग का अभ्यास करें, अपने सभी मूर्धन्य कवियों का, अपने आदरणीय कविता किरण जी को जिसने बहुत अच्छा सुनाया, राजेंद्र गोपाल व्यास ने, हमारे रमेश भाई और दयाल, और ये हमारे विवेक भाई, मनोज भाई, रशीद जी से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हमारे ऋषिराज और जो दूसरे हैं सतीम जी, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
की, आप सब ने बहुत उम्दा प्रस्तुति की। मैं चाहूंगा कि हमारा मिलना बार बार होता रहे और मैं अपने कवियों से आग्रह करूंगा कि वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध संपर्क में आए, राजयोग की महत्ता को समझे, अपने जीवन को इतना उन्नत बनाए कि लोग आपके लिए कविता बनाए और गाएं, सारे विश्व में परमात्मा का पैगाम पहुंचाएं। जैसा कि मैंने शुरू में ये कहा कि सुनो सुनो सब इंसानों, प्यारे प्रभु की संतानों, परम पिता का ये पैगाम प्राणों तक पहुंचाओ, करुणा अपनाओ करुणा भगाओ, करुणा जगाओ करुणा भगाओ। तो स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आप सबका अनेकों बार ढेर सारी जो है बधाइयां और शुभकामनाएं, थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बधाइयां, आपने बहुत सहयोग दिया है इस कार्य में, बहुत मार्गदर्शन दिया है कैसे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो आप सभी का प्रत्यक्ष और परोक्ष जिन्होंने भी सहयोग दिया है, साथ दिया है और भाग लिया है, उन सभी को हमारी ओर से भी धन्यवाद। और आखिर में हम डॉक्टर साहब से अनुरोध करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आप गुड विशेष दीजिए और इस कार्यक्रम को पूर्ण घोषित कीजिए। आदरणीय भ्राता डॉक्टर जयंत भाई जी, मिनेश भाई, अपने कुसुम बहन को, दिव्या बहन को भी और चंपा बहन को, इन सबको भी हमारी तरफ से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया सतीश भाई जी। हाँ भ्राता डॉक्टर जयंत भाई जी। ओम शांति। ओम शांति डॉक्टर साहब, आज का दिन ओम शांति। सतीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक आदि से अंत तक आपने इस कार्यक्रम को शोभायमान किया, इसीलिए बहुत बहुत स्वागत भी बाकी रह गया था आपका, अभी से अभी स्वागत भी करता हूँ। और विशेष रूप से परमपिता परमात्मा ने हम सबको इतनी मदद की और अच्छी तरह से ये कार्यक्रम रहा। विशेष रूप से हमारे प्यारे कविता रचने वाले कवियों को, सबको, बीके मनोज भाई है, रोहित भाई है, अपने सतीन भाई, विवेक भाई है, मनोज भाई है, रमेश भाई है, ऋषिपाल जी है, ऋषिपाल जी है, कुंदन भाई है, तो सभी ने अपनी रीति से बहुत अच्छा, भाई जानने वाले सबको सब जानते हैं, तो इस कार्यक्रम में आपने पूरी हाजिरी दी, मिनट भले 5-7 मिली लेकिन फिर भी हाजिर रह के भी आपने हमारा हौसला बढ़ाया है। हाँ। इसीलिए कितना ना धन्यवाद करूं आप सबको, और हमारे मिनेश भाई का तो करना ही पड़े। हाँ, इन्होंने तो इंटीग्रेट किया सारी कार्यक्रम का इंटीग्रेशन करके, और सब कवियों को भी निमंत्रण देके उन्होंने हमारे दिल को भी शाता दी है, और परमात्मा को भी बहुत अच्छा लगा है। बाकी डॉक्टर साहब हम सब कार्यक्रम, हम सब आपके लिए शुभकामना करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और चिरंजीव बने, यशस्वी बने, और हम सबको आशीर्वाद देते रहें, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। हम सब जो है आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। तो ये तो सब आज तो ये कवियों की महानता हमने देखी कि थोड़े शब्दों में भी इतनी अच्छी अच्छी बातें की जो अभी वर्तमान समय भी जरूरी है और भविष्य में ऊंचा जीवन बनाने के लिए भी जरूरी है, वो बातें सब ने अपनी रीति बहुत सुंदर वाक्यों में, सुंदर कविताओं में। एक टाइम चला जाएगा, आप लोग भी बहुत बिजी रहे हुए हैं ऐसे मौके पर, मैं दिल से बड़े प्यार से अपने प्यारे कवि मित्रों कवि मित्रों को खूब खूब बता हूँ, और साथ में
इस कार्यक्रम की सफलता का आधार भले हम है सब, फिर भी साथ में अपने प्यारे भाई बहनों इतने सारी संख्या में आज प्रेजेंट रहे हैं और उनकी प्रेजेंस से ही हमारा खूब खूब उत्साह बढ़ा है और आपका सर्व का सहयोग हमेशा रहेगा और हम सब साथ में मिलकर आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, अपने मन बुद्धि संस्कार को सुंदर बना के, करुणा वाला बना के कोरोना को भगाएंगे और सारे विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का दान देके, सहयोग देके, सबको हम वो प्यारी दुनिया के लिए तैयार करके परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा बाप के साथ हम चल पड़ेंगे और सारी दुनिया को हम आगे बढ़ाएंगे, मुक्त करेंगे, जीवन मुक्त करेंगे। यही हमारी शुभकामना और शुभेच्छा है और आप सबके अंत में भी फिर से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। आप भी बहुत 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 शुक्रिया, आपने भी पूरा समय दिया और अभी इस सभा को पूरा करते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी एक हाथ की ऐसे ताली, हम इस सभा को पूर्ण करते हैं। ओम शांति।